ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बूढ़ी चुड़ैल। पिछली किस्त में आपने देखा कि रॉकी लड़की के सामने लंबी लंबी छोड़ रहा होता है कि वो अपनी असली शक्ल में आ जाती है और उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले आती है। चुड़ैल बाजी, कसम से मेरे पास कोई दवा नहीं है। जवान करने वाली मैं तो खूबसूरत लड़की को देखकर लंबी लंबी छोड़ रहा था। मालेकन ये झूठ बोल रहा है, इसे दवा बनानी आती है। मैं इसकी चमड़ी उधेड़ती हूँ फिर ये दवा बनाएगा। मालेकन चुड़ैल बाजी, कसम से मैं हकीम नहीं हूँ बल्कि मेरा भाई हकीम है, उसके पास है वो दवा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर देख लो। शीशमा तू एक काम कर, कल दोबारा उसी गांव में जाकर देख, हो सकता है ये ठीक कह रहा हो। हाँ चुड़ैल बाजी, उसका नाम बिट्टू है, उसे सब जानते हैं। फिर अगले दिन शीशमा लड़की की शक्ल में उसी गांव में बिट्टू की दुकान पर आती है। अरे बाजी आपको क्या हो गया है, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। अरे नहीं भाई, मुझे ये दवा अपनी दादी के लिए चाहिए, इन्हें जवान होने का बहुत शौक है। बाजी अपनी दादी से कहो अल्लाह अल्लाह करे, कपड़ों में उनकी टांगे हैं और वो जवान होने का सोच रही हैं। आप इस बात को छोड़ें, बस दवा बना दें। बाजी अगर आपको दवा बनवानी है तो किसी जादूगर से बनवाए, यहाँ ऐसी कोई दवा नहीं है। बिट्टू अभी बात कर ही रहा होता है कि मीठे की बीवी मीठे के पास आ जाती है। हाँ मीठे, समझते ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं उधार वाले। कहाँ बेगम, इसने अभी तक नहीं दिए, तू खुद जाकर ले ले इससे। फिर मीठे की बीवी बिट्टू की दुकान पर आती है। अरे मत, तुम मेरे शोर के 5 लाख रुपए क्यों नहीं वापस कर रहा, जरा मुझे तो बता बे। देख मेरे से ज्यादा शाना पुट्टी करने की कोशिश न करियो, मेरे पैसे भी वापस कर। बाजी अभी मुझे डेढ़ ही किटले हुए है दुकान पर आए हुए, आपको जल्दी वापस कर दूंगा। हाँ जल्दी वापस न किए तो मैं तेरी पूरी दुकान तोड़ दुबूंगी, तुम मेरे को नहीं जानने है। बाजी आप मेरे ग्राहक के सामने मुझे इस तरह से रुझुआ तो बट करे, मैं आपको जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। ये सुना तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल को सब कुछ बताती है। वहाँ बिट्टू रात को घर जाता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा सारा दिन गुजर गया है लेकिन रॉकी अभी तक घर नहीं आया। अभी जाज ये बहुत आवारा हो गया है और इसका काम काज में दिल नहीं लगता, इसका कुछ करना पड़ेगा। बेटा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अभी जाज आप परेशान मत हो, आ जाएगा वो घर। और वहाँ नसीबो कैंची मीठे को कहती है, हाँ मीठे सुना, कैसा डराया उस मोटे बिट्टू को। अरे बेगम तूने तो कमाल ही कर दिया, इसका तो डर के मारे बुरा हाल हुआ पड़ा था। मीठे भी तू देखता जा, मैं करती क्या उसके साथ, नसीबो कैंची है मेरा नाम, काट के रख दे बूंगी। बस बेगम एक दफा मुफ्त के 5 लाख रुपए आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, इन पैसों से खूब अयाशी करेंगे। हाँ मिठे मुफ्त के पैसों की अयाशी का तो मजा ही हो रहा है। शीशमा खिड़की से ये बात सुन लेती है। अच्छा तो इसका मतलब इसने 5 लाख रुपए नहीं दिए, ये 2 नंबरी कर रहा है, इसे 5 लाख रुपए निकलवाते हैं, मैं मालिकन को जाकर बताती हूँ। फिर शीशमा अपनी मालकिन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों मिलकर उसे लूटने के चक्करों में है। तू एक काम कर, कल रात को उसके पास जा और उसे कह के मेरे लिए दवा बना, मैं तेरे 5 लाख रुपए माफ करवा दूंगी। ठीक है मालिकन, मैं कल उसके पास जाती हूँ। फिर अगली रात को जब सब चले जाते हैं तो शीशमा लड़की की शक्ल में बिट्टू की दुकान पर जाती है। बाजी इस टाइम आप मेरी दुकान पर, मैं तो दुकान बंद कर जा रहा था। भाई मेरी बात मानो, आप मुझे दवा बना दो। आपकी अकल में मेरी बात क्यों नहीं आ रही, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं दवा नहीं बना सकता तो क्यों मेरे पास बार बार आ जाती है दवाई लेने के लिए। भाई आप एक बार दवा बना दो, मैं आपके 5 लाख रुपए माफ करवा दूंगी। नहीं माफ करवा दे मुझे पैसे,
मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मेहनत करके कमा कर उसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर लड़की अपनी असली शक्ल में आ जाती है और बिट्टू उसे देखकर डर जाता है। तू बहुत स्याणा बन रहा था ना, तेरा भाई रोकी हमारे कब्जे में है। अगर तूने जवान करने वाली दवा ना बना कर दी तो हम उसे खा जाएंगे। चुड़ैल बाजी बड़े भाई को कुछ मत कह रहा, मैं आपको दवा बढ़ा कर देता हूँ। ये हुई ना बात, तू कल दवा बना कर रख, मैं तुझे अपने साथ मालेकन के पास लेकर जाओगी और तू घर जा, तेरी अलमारी में 5 लाख रुपए रख दिए हैं। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और बिट्टू घर जाकर बहुत परेशान होता है और सोचता है कि वो कैसे दवा बना कर दे। फिर उसके जहन में एक तरकीब आती है और अगले दिन वो दुकान पर दवा बनाने लगता है तो मीठे की बीवी आ जाती है। हाँ बिट्टू, हमारे पैसों का बंदोबस्त हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बता। जी बाजी, मैंने इंतजाम कर लिया है, आपके पैसे तैयार है। फिर बिट्टू उसे 5 लाख रुपए दे देता है तो मीठा और नसीबो कैंची खुशी में घर चले जाते हैं। अरे वाह बेगम, मजा आ गया, हमारी तो लाइफ ही सेट हो गई। अरे मिट्टू चुप कर, इन पैसों को तिजोरी में रख, इन पैसों से मैं अपना घर बनाऊंगी किश्तों पे। वहाँ शीशमा बिट्टू की दुकान पर आती है। हाँ बिट्टू, दवा तैयार हो गई है? नहीं बाजी, कल तक हो जाएगी तैयार। फिर शीशमा चुड़ैल के पास जाती है। जी मलका, बिट्टू ने दवा तकरीबन तैयार कर ली है, मैं कल उसे आपके पास लेकर आऊंगी मालेकन। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है, रोकी को काट कर उसकी चमड़ी की सब्जी बनाकर खिला मुझे। पर मलका, वो आपके लिए दवा तैयार कर रहा है इस शर्त पर कि आप उसके भाई को वापस कर दोगी। हम चुड़ैलों की जिंदगी में कोई रहम नहीं होता, तू उसको जिबा कर, मैं कल जवान होकर उस बिट्टू का भी गोश्त खाओगी। मालिकन, आप दोनों को कल ही खा लेना एक साथ। ठीक है, मैं कल इन दोनों को खाओगे। शीशमा चुड़ैल की बात सुनकर बहुत हैरान होती है कि ये तो बहुत एहसान फरामोश है, ये तो जवान होकर मुझे भी खा जाएगी। वो जल्दी से बिट्टू के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। क्या शीशमा बाजी, आप ठीक कह रही हो, ये तो बहुत जालिम चुड़ैल है। हाँ बिट्टू, वो बहुत जालिम चुड़ैल है और वहाँ मीठे ने जो तुमसे 5 लाख रुपए लिए हैं वो झूठ बोल कर लिए हैं। तुम्हारे अब्बू ने उसे कोई पैसा उधार नहीं लिया था। ओ, ये बेटा बेगड़ा बहुत झूठा इंसान है, इसलिए मेरे साथ ठीक नहीं किया। बिट्टू, मैंने मीठे की तिजोरी से 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं, अब उसकी यही सजा है कि वो सदमे से ही मर जाए। तुम बस ऐसी दवा बनाओ कि चुड़ैल को नानी याद आ जाए। शीशमा बाजी, आप फिक्र मत करे, मैं ऐसी दवा बढ़ा कर दूंगा कि उस चुड़ैल का टाठैया हो जाएगा। वहाँ नसीबो कैंची मीठे से कहती है। बिट्टू, तूने पैसे तिजोरी में रखे थे, पैसे कहाँ हैं मुझे जल्दी बता, वरना मैं तेरी नस चीर के सुकड़े डाल दूंगी। बेगम मेरे से कसम उठवा ले, मैंने वो पैसे तिजोरी में ही रखे थे। तिजोरी में रखे थे तो कहाँ गए? मीठे 10 गिनने से पहले मुझे पैसे ला के दे। मीठा अपनी बीवी से डर कर भाग जाता है और वहाँ शीशमा बिट्टू को चुड़ैल के पास ले जाती है। चुड़ैल बाजी बैठी, ये दवा आपके लिए बढ़ाई है, ये दवा आपको जवाल कर देगी। बहुत अच्छा किया मेरे लिए दवा बना कर, आज मैं जवान होकर तुम सबको खाऊंगी और बहुत ज्यादा जवान हो जाओगे। ये कहकर चुड़ैल वो दवा पी लेती है। जैसे ही दवा पीती है वो धुआं बनकर गायब हो जाती है। मालिकन का चली गई, बड़का इस दुनिया से चली गई है और ये सब कुछ आज से आपका और आप यहाँ की बड़का है। बिट्टू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने उस जालिम चुड़ैल से हमें बचाया।
फिर बिट्टू रॉकी को लेकर घर आ जाता है और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं और रॉकी भी बिट्टू के साथ काम पर लग जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।